तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और वन पीस के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी लोग का स्वागत है। बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे इसके वीडियो में सीधा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, लूफी और कोबी वहां से निकल पड़ते हैं और लूफी को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। देखने को मिलता है ये लोग जा रहे होते हैं उस तरफ जहाँ पे जोरो बंधा होता है और जोरो को बचाने की इच्छा में ये रहता है। कोबी जो होता है वो जोरो की स्पेशलिटी बताता है, वो ब्लड थर्स्टी बीस्ट की तरह है और वो किसी डीमन से कम नहीं है। वो पायरेट को मारता रहता है, जो भी इविल पायरेट्स होते हैं। उन्हें देखने को मिलता है वो जगह आ जाती है जहाँ पे इन लोगों को जोरो से मिलना होता है और नेवी का बेस सिटी होती है। अंदर देखने को मिलता है ये आगे जा ही रहा होता है, वहाँ से कुछ चीजें उठा के खाता है और उसका पैसा पे करता है और आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन वो सिर्फ जोरो का नाम लेता है और जितने भी लोग होते हैं वो डर के शॉक के होके पीछे हो जाते हैं और लूफी जाने वाला होता है अब यहाँ के नेवी बेस में। वो भी कह रहा होता है कि चलो जोरो के बारे में समझ में आता है कि लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ के कैप्टन से भी लोग डरते हैं जो नेवी वाला है, ये क्या बात हुई। उसके बाद देखने को मिलता है और वहाँ पे दरवाजा जो कि नेवी वाला होता है और कोबी जो होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उतने में देखने को मिलता है एक दीवार पे वो चढ़ता है और देखने की कोशिश कर रहा होता है और देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो डंडों से बंधा होता है और बाहरी धूप में खड़ा होता है। लूफी जो होता है वो कोबी से पूछ रहा होता है अगर इसकी मैं रस्सियां खोल दूंगा तो ये तो इजिली वहां से भाग सकता है ना, और कोबी कहता है अगर तू खोल देगा वो तुझे वहीं मार देगा, पागल है क्या। उतने में देखने को मिलता है जोरो की आवाज आती है कि तुम लोग मेरी आंखों में खाली चुभ रहे हो तो निकल लो यहाँ से। उतने में देखने को मिलता है एक छोटी बच्ची जो होती है सीढ़ी लगाकर वहाँ आती है, एक रस्सी के द्वारा नीचे उतरती है और वो एक राइस बॉल बना कर लाती है जोरो के लिए। जोरो ने कुछ खाया नहीं होता है बहुत लंबे टाइम से, तो वो पहली बार इसके लिए राइस बॉल बना के लाती है अपने हाथों से और उसने बहुत मेहनत की होती है वो बनाने के लिए। उतने में जोरो बोलता है कि उसे भूख नहीं लगी है और यहाँ से तू भाग जा। उतने में देखने को मिलता है जो नेवी के कुछ लोग होते हैं वो वहाँ आते हैं और वो बोल रहा होता है ये काफी टेस्टी राइस बॉल लग रहे हैं और वो इसके हाथ से लेता है, खाने की कोशिश करता है लेकिन वो फुल ऑफ शुगर्स होती है, बहुत मीठी होती है। उसको नीचे फेंक देता है और अपने पैरों के नीचे सारे वो जो राइस बॉल होते हैं उसे रगड़ देता है। जिसके बाद जो ये लड़की होती है काफी ज्यादा रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो जो लड़का होता है वो कहता है तूने नोटिस नहीं पढ़ा क्या? और ये जो नोटिस है ये मरीन्स ने लगवाया था कि जो भी इस क्रिमिनल की हेल्प करेगा उसको मार दिया जाएगा। और यहाँ पे पता चलता है जो ये लड़का होता है ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है और वो आदेश देता है एक सिपाही को कि इस बच्चे को उठा और दीवार के ऊपर से फेंक दे। वो जो सिपाही होता है वो रोक मना करने की कोशिश करता है लेकिन उसको धमकाता है और वो सिपाही जो होता है वो मजबूरी में इसके पास आता है और कहता है बच्चे तो अपने आप छोटा सा रोल कर ले बॉल की तरह और मैं तेरे को फेंक दूंगा तो चोट नहीं लगेगी। और मजबूरी में उसको फेंक देता है वो और उतने में लूफी जो होता है जंप करके उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। इस क्रुएल्टी को देख के जो लूफी होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है और कोबी को भी, और उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद जो लूफी होता है वो अंदर चला जाता है और लूफी उससे बोलने लगता है अगर यार इस तरह से मैं 3 दिन भूखा रहता तो मैं पक्की बात मर जाता। और जोरो बोलता है कि मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं आराम से इसमें जिंदा रहूंगा। और उसके बाद लूफी कहता है तू बहुत स्ट्रेंज है, वहां से जाने लगता है। जोरो बोलता है कि वो जो गिरा हुआ है क्या तो उसको उठा सकता है, और बोलने लगता है ये तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। तो कहता है कोई बात नहीं तो मेरे को खिला, जिसको जोरो खाता है और वो कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा था। और उसके बाद जो लूफी होता है वो जाता है उस बच्चे के पास और उसे बताता है कि जोरो ने वो सारी चीजें खाई और जो बच्ची होती है काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो बताने लगती है कि जोरो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उस हमें बचाने की कोशिश की थी। वो बताने लगती है जो हेलमेपो है वो उसकी गलती थी। वो एक बार अपना कुत्ता लेके आता है शहर के अंदर और उसको लेके आता है हमारे होटल के अंदर, वहां पे हम लोग खाना बना रहे होते हैं और वो जो कुत्ता होता है सबका खाना खाने लगता है। इवन वो उस बच्चे के ऊपर अटैक करने वाला होता है और जोरो जो होता है वो बीच में आ जाता है और उसे मार के हटा देता है और जोरो से भागने के लिए कहता है और कहता है मुझे पीस में खाने दे। फिर वो जो हेलमेपो होता है वो अटैक करने वाला होता है जोरो पे, जोरो एक लात मार के उसे उड़ा देता है। पर जोरो कहता है कि तू मेरे को एनॉय कर रहा है, तू और तेरा जो कुत्ता है ना ये दोनों मुझे बहुत एनॉय कर रहे हैं, अगर जान बचाना चाहता है तो यहाँ से निकल जा। और उसके बाद वो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है, अगर तू इसी तरह से करेगा तो वो दोनों माँ बेटी जो है उनको मार दिया जाएगा। जिसकी वजह से जो जोरो होता है अपने आप पड़वा देता है और उसको 1 महीने तक भूखा रहना होता है। और इसी तरह से जब जोरो पकड़ा गया है उसके बाद उसको वो मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं और वो हमारे वहाँ पे दोबारा आते हैं और सारा खाना फ्री में खाते हैं और इसी तरह की हरकतें करते हैं। उसके बाद अगेन वो वहीं बैठा होता है और फ्री में खाना खा रहा होता है। अब लूफी वहाँ पहुंच जाता है और वो बोल रहा होता है कि मैं जोरो को कल मरवा दूंगा और लूफी इस चीज गुस्से में आता है और उसको एक दमदार पंच मारता है उसके मुंह पे। वो भी जो होता है उसे रोकने की कोशिश करता है और लूफी बोलता है ये एक बहुत ही घटिया इंसान है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वो बोल रहा होता है मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ, तो वो कहता है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे। उसके बाद जो कैप्टन मॉर्गन होता है वो बैठा रहता है और वो
अपनी तारीफ कर रहा होता है। उस दिन भी उसका जो बेटा होता है वो वहां आ जाता है और बताने लगता है कि एक इंसान ने उसके ऊपर अटैक किया था, उसको मारने की कोशिश की थी, और जोरू जो होता है उसकी हालत खराब होती है। वो याद करने लगता है एक लड़की के साथ की फाइट, और वो बोलने लगता है कि यार मैं इस तरह की जगह पे अपने आप को मरने नहीं दे सकता। उतने में देखने को मिलता है जल्लू भी होता है उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों को ढूंढने की अपने पायरेट क्रू में शामिल करने के लिए। जोरू जो होता है वो चाहता नहीं है कि वो इसे ज्वाइन करे, और वो बोल रहा होता है कि मैं रिग्रेट नहीं करता, मैं जो भी चीजें करता हूँ और मुझे वैसे ही मेरे जो टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं और मैं उन्हें अकम्पलिश करूंगा। लूपी कहता है मैंने पहले डिसाइड कर लिया है कि तू मुझे ही ज्वाइन करने वाला है। लूपी कहता है कि मैंने सुना है कि तू स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, तो मैं तेरे लिए वो लेके आऊंगा और उसके बाद तुझे मेरा क्रू ज्वाइन करना होगा। लूपी जो होता है वोल्टी डायरेक्शन में भागता है। उतने में देखने को मिलता है जब मॉर्गन की बहुत बड़ी मूर्ति होती है वो खड़ी करते हैं ये लोग, और उसका बेटा जो होता है वो कहता है उस इंसान के बारे में तो कुछ क्यों नहीं कर रहा है जिसने मेरे को मारा था, और वो कहता है भाई तू एकदम घटिया इंसान है, मैं तेरे को मारना भी नहीं चाहता, तो बीच में मत आ और तेरा बाप जो है वही ग्रेट है और कोई नहीं। उतने में देखने को मिलता है उसके बेट पर वो बार बार पीट रहा होता है और वो एकदम क्रुएल्टी करता है अपने लोगों के साथ। अगेन वो रस्सियों से वो जो सिंबल होता है वो अथॉरिटी का वो खींचा जाता है, उसको खड़े करने की कोशिश होती है। देखने को मिलता है जो लूपी होता है वो शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करता है और कहता है कि वो जो स्टूपिड सन है उसको करना पड़ेगा, और उसे वो दिख जाता है। वो सीधे जंप करता है छत पे जो रस्सी होती है वो पकड़ता है, और देखने को मिलता है वो जो मूर्ति होती है वो बीच में से टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। अब जो ये मॉर्गन होता है वो लूफी को पकड़ने की बात कर रहा होता है, जो लोग होते हैं वो लूफी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके बेटे को पकड़ता है अपने साथ लेता है और कहता है कि मुझे कुछ चाहिए तेरे से, और हेलमेपो को लेकर वहां से निकल जाता है। नीचे देखने को मिलता है जो कोबी होता है वो जोरो को बचाने के लिए आता है, अंदर वो दोबारा से वही वाली लड़की देखने को मिलती है और लूफी उससे पूछ रहा होता है कि जोरो की शॉर्ट कहाँ है, और वो वहीं पे पास आउट हो जाता है। कोबी जो होता है जोरो को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है, जोरो कहता है कि तुम यहाँ मत रहे ये लोग तेरे को मार देंगे, और कोबी बोलता है कि मैं एक मरीन बनने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी को भी मैं मतलब मैं मारे। जोरो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास 10 ही दिन तो चाहिए मेरे को यहाँ पे और सर्वाइव करना है, उसके बाद मैं यहाँ से छूट जाऊंगा। कोबी बताने लगता है नहीं ये लोग तुझे कल ही मार देंगे, इसीलिए लूपी ने पंच किया है हेलमेपो को और तुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। कोबी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तू भाई पायरेट बने, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि तू लूपी की मदद करे, हम मुझे ये लगता है कि वो इंसान है जो कि लूफी को भी बचा सकता है। उतने में देखने को मिलता है जब मॉर्गन होता है वो नीचे तरफ आ चुका होता है और लूफी को वो 3 स्वॉर्ड दे चुकी होती है, और वो सोच रहा होता है कि अगर इसमें से जोरो की स्वॉर्ड कौन सी है, और वो तीनों ले लेता है। उतने में देखने को मिलता है वो जो मरीन होते हैं वो लोग अटैक करने वाले होते हैं कोबी और जोरो पे, उतने में ही बीच में आ जाता है लूफी और सामने खड़ा हो जाता है, सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है और सारी गोलियों को बाउंस बैक कर देता है। जोरो पूछ रहा होता है आखिर तू है कौन, और ये बोलता है मॉम की थी लूफी और मैं बनने वाला हूँ किंग ऑफ पायरेट, और इसी के साथ खत्म हो जाता है एपिसोड नंबर 2। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, यार एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था, देखने में काफी मजा आया। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।